और मैं इस बात से सहमत भी हूं। अब अगर हम आपकी कुंडली पर बात कर रहे हैं तो वृश्चिक लग्न के साथ साथ जन्म की राशि आपकी सिंह बनती है। चंद्रमा की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, जुपिटर की प्रत्यंतरदशा चल रही है। अभी जो ये जो सिनेरियो चल रहा है यह लगभग अभी नहीं बना है, अगर हम पिछले 2.5 साल के आसपास की बात करें और उसमें भी स्पेसिफिकली हम पिछले 1.5 साल की बात करें तो उस समय पर यानी पिछले 1.5 साल के अंदर करियर से रिलेटेड इस टाइप के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, यानी कि इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। पिछले 1.5 वर्ष के अंदर जो जो अपॉर्चुनिटीज हमने सोचा कि अब यह श्योर शॉट कन्वर्ट हो ही जाएगी, वह भी होल्ड में है, खत्म नहीं हुई है, कैंसिल नहीं कह सकते हैं, वह होल्ड में है। क्योंकि महादशा चंद्रमा की है, चीजें बड़ी ठंडे बस्ते में चले जाती हैं, बड़ा डिले हो जाती हैं, डिले ही कह सकते हैं, यह परिस्थिति है। लेकिन जब तक कन्वर्ट नहीं हो रही तब तक हमें उसका कोई एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, और यह परिस्थिति अभी एज इट इज चलने वाली है। लगभग लगभग अगर हम बात करें नवंबर 2016 तक ऐसी स्थिति चलने वाली है। थोड़े से हमें इसमें रिस्पॉन्स मिलेंगे, थोड़ा पॉजिटिव संकेत हमें मिलेगा जुलाई के बाद में। अभी अगर हम तत्काल सोच रहे हैं तो कोई ऐसा कोई बड़ा रिजल्ट यहां पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसी परिस्थिति चल रही है। और ये जो करियर में अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं यह सन 2020 तक चलने वाली है। 3 जनवरी सन 2020 तक करियर में इस तरीके का फ्लक्चुएशन चलता ही रहेगा, चल सकता है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, चलता ही रहेगा ऐसा ही बोल रहा हूं। तो इस बात को हम स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें और उसके आधार पर ही हम अपने फ्यूचर को प्लान करें, उसके आधार पर ही हम अपने वर्तमान एक्सपेंसेस को और दिनचर्या को हम प्लान करें। ये तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें प्रोफेशनल फ्रंट पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलें, कुछ अच्छे एक कुछ अच्छे उसके परिणाम आए, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक उपाय है, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। अगर उसे करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको एक पॉजिटिव संकेत, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि त्रयोदशी के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अमृताभिषेक करें। अमृताभिषेक का मतलब होता है रुद्राष्टाध्यायी के रुद्री के 5वें अध्याय के स्टार्टिंग के 16 मंत्र अमृताभिषेक होते हैं। अगर उससे उसको पढ़ते हुए या उसको MP3 संगीत के माध्यम से प्ले करते हुए आप पंचामृत भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो तत्काल ही इस समस्या से आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। फिर भी अगर किसी तरीके के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के इस कुंडली को डिस्कस कर सकते हैं जिससे कि इसमें और विस्तार पूर्वक चर्चा की जा सके। जी बिल्कुल, 2020 तक थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं है। और एक चीज और कि आप बताए, वृश्चिक लग्न की जो कुंडली होती है वो वैसे ही बहुत स्ट्रगल करवाती स्ट्रगल है। वाली होती है। ऐसे ऐसा नहीं कि ऐसे लोग स्टेबल नहीं होते हैं, सेटल नहीं होते हैं, या उन्होंने अपने जीवन का अच्छा समय नहीं देखा होता है, लेकिन स्ट्रगल की हम बात कर रहे हैं। 45-48 वर्ष की आयु में, इवन 53 वर्ष की आयु में भी मैंने ऐसा देखा है, लोग अपने व्यापार को चेंज करने की बात कर रहे होते हैं जहां पर उनको तो स्टेबल होना चाहिए, ऐसी स्थितियां अधिकांश देखने को मिलती हैं। जी जी एक और कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नाम बताइए अपना। जतिन बोल रहा हूँ जी। जी जतिन जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1991 जी। समय रात के 10:33। 10:33 अमृतसर का जन्म। अमृतसर, अमृतसर। अभी ये कहाँ से बोल रहे हैं आप? अमृतसर से बोल रहा हूँ। सवाल क्या है आपका? इसके कैरियर के बारे और शादी के बारे में पूछना है। करियर के बारे में जानना चाहते हैं और शादी के बारे में जानना चाहते हैं। मिथुन लग्न है आपका, मिथुन लग्न के साथ साथ जन्म की राशि मकर बनती है। राहु की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, राहु की ही प्रत्यंतरदशा चल रही है। विवाह से संबंधित जिस तरीके के जिस टाइप के आप डिसीजन लेने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें अभी थोड़ा सा और आपको धैर्य रखना चाहिए। लगभग 1.5 से 2 वर्ष का समय और आपको बिताना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, और आपको अभी विवाह के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। 2 साल का गैप अगर आप देंगे तो आपके लिए विवाह से संबंधित बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है बहुत अच्छे और संपन्न परिवारों के रिश्ते और अच्छा
कैंडिडेट यानी कि अच्छी लड़की आपके लिए देखने को मिलेगी। अच्छी की परिभाषा है जो शिक्षित भी हो और संपन्न भी हो, गुणवान हो, ऐसी लड़की ऐसी स्त्री आपको मिलेगी। लेकिन अभी 2 साल का गैप आपको दे देना चाहिए, ये सलाह है। बाकी व्यक्तिगत जीवन आपका है, निर्णय आपका अपना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके करियर की। जैसा कि आपने सवाल किया है, करियर आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता है। आपके मन के अंदर नाना प्रकार के संकल्प विकल्प आज भी उठ रहे हैं। आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन अभी भी आपके मन में अपने करियर को लेकर के नाना नाना प्रकार के कन्फ्यूजन्स और संकल्प विकल्प अभी उठ रहे हैं। इसको एक साइड करते हुए आपको दृढ़ निश्चय लेने की आवश्यकता है। आपके साथ समस्या कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी तरीके की समस्या फेस कर रहे हैं तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आपके करियर की दिशा बिल्कुल ठीक दिशा में जा रही है, सिर्फ कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता है और एक सूत्र को पकड़ते हुए आप आगे चले, यानी कि एक प्रोफेशन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें और उस ही पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षा से संबंधित, कंसल्टेंसी से संबंधित कोई व्यवसाय या जॉब करने का प्रयत्न कर रहे हैं या इंजीनियरिंग लाइन से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअली कोई समस्या चल नहीं रही है, सिर्फ मन का एक कंफ्यूजन है आपके अंदर। जी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और शादी भी अच्छी होगी, करियर भी अच्छा रहेगा। कन्फ्यूजन को दूर करें, जो ये बार बार आपको लगता है अब ये सही है अब ये सही है, इन चीज़ों को दिमाग से निकालें, व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर लें, ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। क्योंकि लाइव में हमारी भी एक सीमा होती है और आप भी बहुत सी बातें व्यक्तिगत इतनी होती हैं कि इस प्रोग्राम में आप नहीं बात कर सकते हैं अभी लाइव कार्यक्रम में, क्योंकि बहुत से लोग सुन रहे होते हैं, इसीलिए मैं तो व्यक्तिगत खुद तौर ही पर। कहना चाहूंगा जिन लोगों की समस्या एक्चुअली बड़ी गंभीर है जी। और जो इस प्रोग्राम को, इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ सुनते हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि अगर आपकी समस्या गंभीर है तो लाइव में फोन करके पता करने से अच्छा है कि हम अपॉइंटमेंट लेकर के डिस्कस करें, क्योंकि वहां पर बहुत गंभीरता से इस विषय पर सोचा जा सकता है। एक एक्स्ट्रा समय होता है और उस समय के अंदर हर पहलुओं पर डिस्कशन किया जा सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है। लाइव प्रोग्राम के अंदर हम किसी एक पॉइंट पर आपके कहने पर कि मुझे करियर से संबंधित सवाल पूछना है तो हम उस पर पर्टिकुलर फोकस कर पाते हैं, जबकि आप अपॉइंटमेंट लेकर के बात करते हैं तो आपको यह भी बताना नहीं पड़ता है कि आपकी समस्या क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। सफल ज्योतिषी की पहचान है कि आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं और उसके बाद शांति से 5 मिनट का वेट करें। 5 मिनट के अंदर ज्योतिषी आपको रिजल्ट दे कि यस आपके मन में यह चल रहा है। और मैं इस बात के लिए सुनिश्चित कर सकता हूं, यदि ऐसी स्थिति आती है, आपकी मेरी कभी चर्चा होती है, तो डेफिनेटली आपसे बिना पूछे इतना बता सकता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपके क्वेश्चंस क्या हैं। अपने पेपर पर लिख करके रखें और उसके उपरांत मैं आपको बताऊंगा, उसको टैली कर ले, अगर वो उससे मैच नहीं करें तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। जी जी और कुछ बातें ऐसी होती हैं नवीन जी जो बहुत व्यक्तिगत होती हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच की परेशानी हो या बहुत सारी बातें, बहुत नहीं सारी हम कह पाते और नहीं कहना चाहिए कि वो व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत तौर पर ही रहे। और सामने जब बैठकर हम बात करते हैं तो जब मैं आपसे सामने बैठ के सलाह ले रही हूँ तो एक हम कहते हैं ना ढांढस भी बंधता है मन में, उम्मीदें भी जागती हैं, समझ में आता है कि चलो अब परेशानियां दूर होती नजर आ रही हैं और सामने वाले की बात भी अच्छे से समझ में आती है। जी। इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखिए, व्यक्तिगत तौर पर मिलिए, बैठकर आराम से तसल्ली से बात करिए, मानसिक तौर पर भी आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे और उपाय भी अच्छे से पता करेंगे, सारे पहलुओं के बारे में जीवन के जान लेंगे। क्या करना है, नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर फोन करिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परेशानियों को जीवन से बाहर निकालिए, समाधान की ओर बढ़िए, दिमाग को थोड़ा सा सुकून दीजिए ताकि आने वाले जीवन को अच्छे और बेहतर तरीके से बिता पाए। मेरा प्रश्न था कि लंबे समय से पार्टनरशिप थी, मान लीजिए 15 साल की, 15 साल से पार्टनरशिप है, 15वें साल में जाके पता चल रहा है कि मुझे तो 15 साल से ही धोखा मिल रहा था, ऐसा क्यों? ऐसा तब होता है जब हमारी अपनी अपना व्यक्तित्व हमारा बहुत अच्छा उभर करके नहीं आ पा रहा होता है। व्यक्तित्व उभारने के लिए, व्यक्तित्व के स्ट्रांग होने के लिए और आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग होने के लिए आपका सूर्य का अच्छा होना बड़ा अनिवार्य है। जिस व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा होगा उसकी इंट्यूशन और उसका वाक चातुर्य एक्चुअली बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों का सूर्य डिस्टर्ब होता है, और जुपिटर और चंद्रमा अच्छे तो होते हैं
लेकिन D10 चार्ट के अंदर डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी उनका यूज किया जा सकता है, उनको मूर्ख बनाया जा सकता है, बहुत लंबे समय तक उनका मूर्ख बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग एक्चुअली सीधे स्वभाव के होते हैं, और जो लोग सीधे स्वभाव के होते हैं सिर्फ उन्हीं को मूर्ख बनाया जा सकता है जिनकी इंट्यूशन पावर, सूर्य डिस्टर्ब हो और जुपिटर और चंद्रमा स्ट्रांग हो, तो ऐसे में ज्ञान अच्छा होता है, मन बड़ा स्वच्छ होता है, लेकिन ऐसी छल कपट नहीं होता है, बहुत चतुरता नहीं होती है, चालाकी नहीं होती है, ऐसी इंट्यूशन नहीं होती है कि सामने वाला हमारा शोषण कर रहा होता है। और इस प्लानिटरी सिचुएशन के आधार पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा शोषण कोई कर सकता है या नहीं कर सकता, और ऐसे कॉम्बिनेशन में ही अधिकांश देखने को मिला है कि व्यक्ति को 5 साल, 7 साल, 3 साल या 15-15 साल तक भी पता नहीं चलता है कि उसके साथ इस तरीके का धोखा धोखा हुआ। जब चीजें ऑन ग्राउंड आ जाती हैं, एक्चुअली सब सामने आ जाता है, तब ही पता चलता है। जी जी तो ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कुंडली पे डिपेंड करता है कि हम नहीं समझ पाते हैं, और हम ये कह सकते हैं उस समय तो कमी हम में होती है क्योंकि हम सामने वाले को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जब हम मान लीजिए किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर रही हूँ, एक तो हमें पार्टनरशिप कितनी चलेगी ये देखना है, एक हम क्या उस व्यक्ति की कुंडली से उसके व्यवहार के बारे में ये सब कुछ जान सकते हैं। माना कि मिल गया, चलो कि पार्टनरशिप कर सकते हैं हम इसके साथ, लेकिन उसका व्यवहार कैसा होगा, किस तरीके का उसका आने वाले समय में उसका नेचर रहेगा हमारे प्रति, चीजों के प्रति, ये सब जान सकते हैं। हम अपनी कुंडली से सिर्फ इतना ही तय कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए पार्टनरशिप अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। सामने वाले के स्वभाव के बारे में समझ पाना यह हमारी कुंडली से संभव नहीं है, चाहे हम D10 चार्ट देखें या फिर D9 चार्ट ही क्यों ना देखें, हमारी अपनी कुंडली से सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव के बारे में हम एनालाइज नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपका बिजनेस पार्टनर आपको अपनी एक्चुअल जन्म कुंडली प्रोवाइड कराता है और आपको उसके विषय पर पता है, तो डेफिनेटली हम उसके स्वभाव के बारे में भी समझ सकते हैं, और स्वभाव बहुत बड़ा विषय नहीं बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर लॉयलिटी है, व्यवसाय के प्रति वह बिल्कुल लॉयल है, उसके उपरांत वह किस तरीके का व्यवहार करता है वो बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि हम उसको सर्वाइव कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि व्यवसाय के अंदर लॉयल होना। और अगर हम व्यवसाय में इस तरीके की प्रॉब्लम देख रहे हैं, हम पार्टनरशिप के व्यवसाय में आ गए और अब हमें लग रहा है, हमें अब धीरे धीरे पता लगना शुरू हो गया है कि हम नुकसान में हैं, पार्टनर हमें धोखा दे रहा है, धीरे धीरे वह क्लाइंट्स को अलग कर रहा है, तोड़ रहा है, तो हम उसे समय रहते भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि अब अलग अलग होना ही है, तो उस परिस्थिति में हमें अधिकांश नुकसान ना हो, उसके लिए भी हम कुछ ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, जिससे हमें जो 100 रुपए का नुकसान होना है या 1 लाख रुपए का नुकसान होना है, उस जगह पर हमें 50% हो, हमें 50 ही हजार का नुकसान हो, उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। यदि हम उसको अप्लाई करें तो डेफिनेटली हमें फायदा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब क्या उपाय करना चाहिए, यह भी एक विषय है। हमें प्रति सोमवार गन्ने का रस लेकर के भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अब भगवान शिव का अभिषेक हमें करना चाहिए तो यह मंदिर में ही अनिवार्य नहीं है, यदि मंदिर में करें देन वेल एंड गुड, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यदि मंदिर में करना संभव नहीं है तो उस परिस्थिति में एक पारद शिवलिंग हमें घर में स्थापित करना चाहिए, और उसके उसके ऊपर जो है हमें गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करें और प्रति सोमवार ही, हर सोमवार को अभिषेक करें, और प्रति सोमवार ही एक पानी वाले नारियल पर लाल चुन्नी लपेट करके दुर्गा जी को अर्पण करें। यदि ये दो उपाय करते हैं तो हमें पार्टनरशिप में चल रहे व्यवसाय में बहुत हद तक रिलीफ देखने को मिलता है। 100% प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है, ऐसा वादा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत हद तक हमें लाभ देखने को मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं है मुझे किसी प्रकार का। जी। तो आज का उपाय ये था कि भाई यदि पार्टनरशिप में आप खत्म भी करने जा रहे हैं तो शिवजी और साथ ही साथ शक्ति यानी कि माता को आपको मनाना है, उनके उपाय कर रहे हैं। जब उपायों को कर लेते हैं तो जो प्रभाव है यानी कि जो नुकसान आपके जीवन में आ रहा है वो नुकसान काफी हद तक कम हो जाता है। तो आप जरूर इन उपायों को करें, कुंडली जरूर दिखवा लें जब किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं।
अपनी भी और पॉसिबल हो तो जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं उसकी भी, और जाने कि किस हद तक ये पार्टनरशिप चलने वाली है या कितना आपको सतर्क रहना है। ऐसे ही जीवन के हर पहलू के बारे में आप जान सकते हैं अपनी कुंडली के माध्यम से। जरूर संपर्क करें, व्यक्तिगत तौर पर बैठकर जाने, उसके लिए नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर तरीके से हर बात को आप पिरो पिरो कर मोती की तरह बताते हैं और हमें समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, और फिर ऐसे ही जीवन के हर पहलू के बारे में जानेंगे ज्योतिष के माध्यम से पंडित नवीन कौशिक जी से। पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।